हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फाइव। आज का जो चैप्टर है पोएम है। इस पोएम का टाइटल है माय शैडो, मेरी छाया। वैसे हर चीज़ की छाया होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सजीव हो और उसकी छाया न हो। तो आज हम पढ़ते हैं छाया, माय शैडो, मेरी छाया। इस कविता का टाइटल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसका आनंद लेते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, बच्चे आनंद ले रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, हंस रहे हैं। कोई अपनी छाया को देखकर बहुत आश्चर्यचकित है। तो आज की कविता इसी तरह का कुछ है। फिर चलते हैं माय शैडो, स्टार्ट करते हैं। लेट अस बी स्टार्ट। चलो शुरू हो जाते हैं। डू यू नो वेन वेन इवर There a light someone follows you. Have you ever wondered who it is? क्या तुम जानते हो जब कोई तुम पर प्रकाश डालता है, लाइट डालता है, तो तू क्या होता है? ये कौन ऐसी चीज है? तो आते हैं हम लोग। I have a little shadow That goes in and out with me. मेरी एक छोटी सी छाया है, प्रतिबिंब है, जो मेरे साथ बाहर और अंदर आता जाता है। And what can be the use of him more than I can see? जो कुछ भी मैं देखता हूँ मेरे अलावा, उसके लिए उसकी क्या उपयोगिता है? He's very, very like Me from the heels up to the head. Heels up to the head का मतलब हुआ एड़ी से सर तक। तो कह रहा he is very very like me from the heels up to the head. वह सर से लेकर के एड़ी तक, या एड़ी से लेकर सर तक, ठीक ठीक मेरे जैसा है। तो जिसकी इस परछाई जैसी होगी वो उसकी परछाई उसी तरह दिखेगी ना, तो ठीक उसकी भी परछाई उसी की तरह दिखती है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। जब मैं अपने बिस्तर पर उछल कर जाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे पहले ही वह उछल कर बिस्तर पर चला जाता है। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। सबसे विचित्र और अद्भुत बातें ये है कि वह भी मेरे जैसे बढ़ता है, घटता बढ़ता रहता है, छाई घटता बढ़ता है, यानी वो भी बढ़ता है। नॉट एट अल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेंस व्हिच ऑलवेज वेरी स्लो, लेकिन उन बच्चों की तरह नहीं बढ़ता है जो हमेशा धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। वह बढ़ता भी है और घटता भी है। फॉर सम टाइम शॉर्ट्स ऑफ टॉलर लाइक इंडियन रबर बाल, कभी कभी वह फैल करके एक लंबे बाल की तरह हो जाता है। एंड समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज नो वन ऑफ एट ऑल, और कभी कभी सिकुड़ कर इतनी छोटा हो जाता है कि उसके जैसा कुछ और है ही नहीं। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप, एक दिन बहुत तड़के सुबह, यानी सूरज निकलने से पहले मैं जग गया। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू, मैं जब जगा तो देखा कि ऑन वेरी एवरी बटर कप, बटर कप मतलब पीले रंग का एक पौधा है। तो उसने देखा, जब जगा देखा कि बटर कप पर ओस की बूंद जो है चमक रहे हैं। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन ऑरेंज स्लीपिंग हेड, लेकिन मेरा आलसी छोटा सा छाया अभी भी गहरी और खराब निद्रा में, बैड कंडीशन, सोया हुआ है। ही स्टे एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट स्लीप इन बेड, वह घर पर ही छूट गया था मुझसे बहुत पहले। वह घर पर मैंने उसको छोड़ दिया था और वह तब भी उस समय भी गहरी नींद में बिस्तर पर सोया हुआ था, बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तो क्लास फाइव के स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है माय शैडो, इस वीडियो का जो आपको प्रेषित किया जाएगा
इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखेंगे, पोस्ट करेंगे, फिर इस कविता को याद करेंगे ताकि पूछने पर आप बता सकें। इसके बारे में जो अगली एक्सरसाइज होगी अगले वीडियो में पोस्ट कर दिया जाएगा।